हाय दोस्तों, मैं दीपक और आज हम बात करने वाले हैं सभी टिकटॉकर्स की रियल लाइफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक को बहुत ट्रोल किया जाता है, टिकटॉक के साथ साथ टिकटॉक यूजर्स को भी काफी ट्रोल किया जाता है, उनके कंटेंट को काफी खराब बताया जाता है। चलो मान लेते हैं कुछ क्रिएटर टिकटॉक पर ऐसे हैं जो टिकटॉक को गंदा करते हैं, टिकटॉक पर खराब कंटेंट डालते हैं, लेकिन सिर्फ उन क्रिएटर्स की वजह से आप सभी क्रिएटर को खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि टिकटॉक उन सभी क्रिएटर्स के खिलाफ समय समय पर एक्शन लेता रहा है और उन सभी की वीडियोज समय समय पर वो डिलीट भी करता रहा है। तो अब बात कर लेते हैं टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स की। दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, उसे एक कंटेंट तैयार करने में मेहनत लगती है। तो दोस्तों, टिकटॉक पर भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, भले ही उनका कंटेंट छोटा होता है लेकिन उन्हें मेहनत पूरी लगती है। पहले कंटेंट को सोचना, फिर उसके लिए टीम इकट्ठी करना, फिर कंटेंट को प्ले करना, फिर शूट करना, उसके बाद फिर उसे एडिट करना और देन उसके बाद अपलोड करना और फिर उसके बाद उसके रिस्पॉन्स का वेट करना। इस पूरे प्रोसेस में एक कंटेंट क्रिएटर की बहुत मेहनत लगती है जो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकता है। इसके अलावा टिकटॉक पर और भी बहुत सारे क्रिएटर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जैसे ट्रांजिशनर हैं, डांसर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि इन सभी के पास भी आईफोन होता है, ये सिर्फ अपने टैलेंट के बल पर आगे होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप टिकटॉक को ट्रोल करते हो ठीक है, लेकिन आप टिकटॉक के सभी क्रिएटर्स को ट्रोल करते हो ये बिल्कुल गलत है। और टिकटॉक के सभी क्रिएटर से मैं ये बोलूंगा कि किसी की बात सुन के डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको कितना भी ट्रोल कर ले, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको आगे आने से, आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी मददगार रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।